सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 12 जुलाई के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम यानी कि धातु से बने हुए गुंबद का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूक्रेन ने। तो यूक्रेन ने दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किया है यानी कि धातु से बने हुए गुंबद का उद्घाटन किया है। इस गुंबद की ऊंचाई है 108 मीटर और इसका वजन है 36,000 टन। एक्चुअली में ये जो स्टील का बना हुआ जो गुंबद है, जो डोम है, 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर डिस्ट्रॉय हो गया था उसके ऊपर बनाया गया है ये गुंबद, ताकि उसकी रेडियो एक्टिव तरंगे फैलने से रोकी जा सके। अभी ये आप ये इमेज में देख रहे होंगे, ये वो रिएक्टर है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, आपको दिख रहा है ना, फूटा फूटा सा सब कुछ। और अभी ये आप देख रहे हैं जिसके ऊपर डोम बना दिया गया है इसके ऊपर। अच्छा देखो, अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत का पहला फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर कहाँ पे शुरू हुआ है, तो आंसर देना कोलकाता में, इसी साल शुरू हुआ है। और वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ जब भी अपन पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। अच्छा, यूक्रेन की बात हुई है तो ये रहा मैप में यूक्रेन। कैपिटल क्या है? कीव है। करेंसी क्या है? रेवेनिया। ये एच साइलेंट है, इसको रेवेनिया बनेंगे, ठीक है। और अब इसके नए प्रेसिडेंट बने थे, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वोलोडिमिर जेलेंस्की। मैंने आपको बताया था ना, वो एक कॉमेडियन बने हैं राष्ट्रपति, वो यही है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई को। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाता है। तो दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 1989 में इसे सबसे पहले मनाया गया था, या 1989 से इसे मनाया जा रहा है। अच्छा, आप मुझे बताओ अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है? तो सब बता दोगे, चाइना की है। पर अगर आपको याद हो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद होगा। चलो मैं आपसे अब प्रश्न पूछता हूँ। यूनाइटेड नेशन की अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगी। मतलब हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या चाइना की जनसंख्या से ज़्यादा हो जाएगी। कब तक? वो सन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ईयर बताओ, 2027 तक। ये याद रखना, रिपोर्ट आई थी अभी कुछ समय पहले, आपको याद होगा। अच्छा, 1 जुलाई को हमने क्या मनाया था? नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और 1 जुलाई को ही GST दिवस भी मनाया गया था। 3 जुलाई को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई को अपन ने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, और उसकी थीम क्या रही थी? कोप्स फॉर डिसेंट वर्क। और अब 11 जुलाई वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व जनसंख्या दिवस। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में LinkedIn ने किसे भारत के लिए अपना कंट्री मैनेजर यानी कि देश प्रमुख नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है, आशुतोष गुप्ता। तो LinkedIn जानते हो ना, जिसपे आप जॉब वगैरह सर्च करते हो, उसने आशुतोष गुप्ता को भारत के लिए नया देश प्रमुख यानी कि कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। किसे? आशुतोष गुप्ता, याद रखना। अच्छा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या लिख रहा है? के नटराजन, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। कौन? के नटराजन, इंपॉर्टेंट नाम है। ऑप्शन सी क्या है? बी हरदीश कुमार, याद है कौन है ये, IBPS के डायरेक्टर बने थे अभी ये। और ऑप्शन डी क्या है? नलिन सिंगल, बेल के MD CEO बने थे। ये चारों ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, याद रखना। LinkedIn की बात हुई है तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है, और इसके प्रमुख कौन है? जेफ वेनर है। बढ़ते आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में RPF ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन थ्रस्ट। तो RPF ने रेलवे परिसर में अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह ऑपरेशन थ्रस्ट शुरू किया है। मतलब रेलवे का जो परिसर है, रेलवे प्रीमिसेस में नकली बोतल बंद पानी की बोतलें बेची जा रही है, तो उस पर रोक लगाने के लिए, उसे बंद करने के लिए ये ऑपरेशन थ्रस्ट शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन के दौरान 1371 व्यक्तियों को नकली बोतल की पानी बेचने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख रहा है? ये ऑपरेशन सुदर्शन, तो नाम सुना है आपने ऑपरेशन सुदर्शन का। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि BSF ने पंजाब और जम्मू में पाकिस्तान की जो सीमा है ना, उस पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए शुरू किया था ऑपरेशन सुदर्शन, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और जल शक्ति मंत्रालय अभी नया बना है, तो उसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जोधपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र। बढ़ते आगे।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, MN राव को, यानी कि M नागेश्वर राव को। तो हाल ही में M नागेश्वर राव को केंद्र सरकार ने अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया है। अच्छा, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या लिख रहा है, शारदा कुमार होता। तो बताया था मैंने आपको, नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे शारदा कुमार होता। ऑप्शन बी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अरविंद कुमार, इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं ये। और ऑप्शन सी भी इंपॉर्टेंट नाम है, सामंत गोयल, रॉ के प्रमुख बने हैं। अच्छा, रॉ की फुल फॉर्म क्या होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, यानी कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप को होस्ट कौन सी कंट्री करेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और उसमें 26 अक्टूबर को फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं इसी के साथ कि ये इसका पहला संस्करण है, पहला एडिशन है जो कि ब्राजील में होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इसका पहला एडिशन है। अच्छा देखो, यहीं से लिंक करके मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, तो हम करेंगे, हमारा भारत करेगा, ये भी आपको याद रखना है। अब बात ब्राज़ील की हुई है तो ये रहा मैप में ब्राज़ील। अच्छा, ब्राज़ील अपन ने दो चार दिन पहले भी पढ़ा था, कब पढ़ा था, कौन सी न्यूज़ पढ़ी थी, अपने पढ़ा था कोपा अमेरिका कप 2019 के बारे में, जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट था। किसने जीत लिया था, ब्राज़ील ने जीत लिया था पेरू को हरा करके, और वो हुआ भी कहाँ पे था, ब्राज़ील में ही हुआ था। अच्छा, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया है, करेंसी क्या है, ब्राज़ीलियन रियल है। और मैंने आपको बताया था कि इसी साल 2019 में ही इसके नए प्रेसिडेंट बने थे कौन, जेयर बोल्सोनारो। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरे साउथ अमेरिका में क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील ही है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया था कि साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है, तो भी आंसर क्या था, ब्राज़ील ही था। अच्छा देखो, ब्राज़ील है ना, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से दो रेखाएं निकलती है, कौन कौन सी, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अच्छा, आपने नाम सुना होगा अमेज़न नदी का, वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, जिसे सबसे चौड़ी नदी भी कहते हैं, वो यहीं पर है। और मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, जो आपके 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे हैं, उसमें से एक अजूबा यहीं पर है ब्राज़ील में। क्या नाम है उस अजूबे का, उस वंडर का, क्रिस्टोफ रेडिमर। नाम सुना है ना, ये वाला है क्रिस्टोफ रेडिमर, ये यहीं पे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थित है। अच्छा, रियो डी जेनेरियो से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको हमेशा बताया है कि 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी चुना गया किसे, रियो डी जेनेरियो को, इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020। बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो, आगे बढ़े उससे पहले इम्पॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, यहाँ पे फीफा लिखा हुआ है इसलिए मुझे याद आ गया। तो कल मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल एक शॉर्ट एंड स्वीट में एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। अभी आपको पता है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के विजेता घोषित कर दिए गए, तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया है। और फीफा जो नाम है उससे ही, वैसे अभी आप देख रहे होंगे करंट में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं उससे, तो जो भी उससे स्टैटिक क्वेश्चन है, जो भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लिंक करके निकाले हैं, और अभी जो भी वुमेन है वहाँ से वर्ल्ड कप से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इस छोटे से वीडियो में आपको क्लियर कराया गया है। पहले क्लियर कराएंगे, फिर आपसे MCQ टेस्ट लगवाएंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ भैया हमें याद हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोगों के लिए ही बनाया है, आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए उस वीडियो को, ताकि हम आगे इस तरह के वीडियोस कंटिन्यू रखें। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर करना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको वो मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केविन केयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है, सोनाक्षी सिन्हा को। तो केविन केयर ने बॉलीवुड स्टार सोनाक्षी सिन्हा को अपने सबसे बड़े शैम्पू ब्रांड चिक का शैम्पू आता है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बता दूं कि क्रिकेटर हैं आपके पृथ्वी शॉ, उनको फनमोजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फनमोजी क्या है? फनमोजी एक फैंटेसी मंच है, फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, जहां पे उपयोगकर्ता यूज़र पैसे कमाने के लिए कौशल आधारित स्किल बेस्ड गेम खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑप्शन सी क्या लिख रहा है, कार्तिक आर्यन, तो आपको याद होगा अभी दो चार दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, मान्यवर जो क्लोथिंग ब्रांड है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको, कार्तिक आर्यन को। ऑप्शन डी
कैटरीना कैफ भी मैंने आपको उसी दिन बताया था कि रिबॉक की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मैं आपको इम्पॉर्टेंट नाम बताऊँ तो आमिर खान का नाम इम्पॉर्टेंट है, ये भी अभी मैंने आपको इसी महीने बताया था शायद, जल शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने आमिर खान। इससे पहले ये फ़ोनपे के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, फ़ोनपे से याद आना चाहिए भारत पे, भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं तो सलमान खान बने हैं, और अक्षय कुमार आपका मेसी के जो ट्रैक्टर आते हैं ना उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, अक्षय कुमार। यूट्यूब देखते हो आप तो इसमें काफ़ी बार एडवर्टीजमेंट भी आता होगा अक्षय कुमार का, आपने देखा होगा मेसी के ट्रैक्टर, वो वही वाला है। अच्छा, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ये दोनों अभी मिंत्रा के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, विराट कोहली से याद आया, विराट कोहली और ऋषभ पंत हिमालया के प्रोडक्ट्स आते हैं ना फेस वॉश वगैरह उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और MS धोनी अभी रेड बस के पहले अल्लू अर्जुन थे साउथ के हीरो, अब ये महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं रेड बस के, ये गो डैडी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको याद आए तो बता दिए, तो इनको आप याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ODI में 350 मैचेस खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय क्रिकेट में 350 मैचेस खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, ये 350वां मैच इन्होंने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेला गया था ना ICC वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड में, वहीं पे इन्होंने अपना 350वां मैच खेला था। अच्छा देखो, मैंने क्या कहा, ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो ये रिकॉर्ड पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था। बढ़ते आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन UNCCD की 14वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कोप की मेजबानी करेगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। अच्छा देखो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे ना तो ये प्रश्न आपको याद होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, याद है ना आपको, पर पहले मैंने आपको केवल ये बताया था कि भारत इसे होस्ट करेगा, पर अब आपको ये बताया जा रहा है कि ये भारत में कब और कहां पर होंगे, तो 2 से लेकर 13 सितंबर तक ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाएगी 14वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इस सम्मेलन में 197 देश भाग लेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, UNCCD, तो इसकी फुल फॉर्म वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हिंदी में बोलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम। अच्छा, मैंने अभी आपको बोला कि मैं इसकी फुल फॉर्म आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो पहले मैंने आपको कब बताई थी, तो आपको याद होगा विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस हमने मनाया था ना ये 17 जून को, तब मैंने आपको बताया था। अच्छा, उसकी थीम क्या रही थी, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सर्वाधिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप पे कौन रहा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है टेलर स्विफ्ट। तो सिंगर है टेलर स्विफ्ट, और इन्होंने फोर्ब्स की 100 सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप स्थान प्राप्त किया है। तो टेलर स्विफ्ट 2019 में 185 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई के साथ सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन गई हैं। अच्छा, दूसरे स्थान पे कौन है, काइली जेनर है, जो कि पहले इस सूची में टॉप पर थी। अच्छा, काइली जेनर आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको कई बार बताया है, ये वही काइली जेनर है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच बेच के पैसे वाली बनी थी, मैंने बताया था ना आपको, याद आए होंगे शब्द, इसीलिए मैंने ये शब्द यूज किए। अच्छा, भारत की एकमात्र सेलिब्रिटी आपको इस लिस्ट में मिलेगी, नाम है अक्षय कुमार, 33 पोजीशन पे है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इंटर्नशिप पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी व्यक्ति कौन बन गई है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईशा कांत। तो दिल्ली की रहने वाली हैं ये ईशा कांत, और इनका नाम इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि ये पूरी दुनिया में दूसरी व्यक्ति बन गई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंटर्नशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट होने वाली, कौन, ईशा कांत। अच्छा, मैंने बोला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा अब आपके लिए हेग नीदरलैंड में। अच्छा, वैसे मैंने आपको कई बार बताया भी है कि हेग नीदरलैंड में ही आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी इसका 124वां मेंबर बना था इसी साल मलेशिया। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौशल शिक्षुता परिषद इंग्लिश में बोलेंगे तो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल की 36वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अच्छा, हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, महेंद्र नाथ पांडे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षुता परिषद की 36वीं
बैठक आयोजित की गई है। अच्छा, इस बैठक का उद्देश्य क्या था? तो उन भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना जो नौकरी के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं और रोजगार के बेहतर अवसर को हासिल करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मैंने कहा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है आपके? महेंद्र नाथ पांडे हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब हम देखेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस भारतीय फिल्म ने बुकियॉन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में बेस्ट एशियन मूवी का अवार्ड जीता है। तो सही उत्तर था ऑप्शन सी, गली बॉय, जिसके डायरेक्टर कौन है? जोया अख्तर है। और ये फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, जिसमें आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कल के भी, पुराने डेज के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को पॉज करने आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूं, पर यहां पे नहीं, पजल वाले वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे। इसके साथ ढेर सारे क्वेश्चन और भी हम सॉल्व करेंगे जो पुराने डेज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, साथ में स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे, साथ में इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन भी होंगे। सब हम करेंगे पजल वाले वीडियो में, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे पजल वाला वीडियो का लिंक आपको यहीं पे डायरेक्ट मिल जाएगा, कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे, डायरेक्ट उस पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हो। अच्छा, मैं एक बार फिर कहूँगा कि मैंने कल ये वाला वीडियो डाल दिया है, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फटाफट से इसको भी आप देख लें, 10 मिनट के अंदर आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। जो भी आपका फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप इसे शेयर कर दें, जितना भी आप कर सकते हैं आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करा करें। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं पजल वाले वीडियो में।